और महादेव तो अभी हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कितने भक्त लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। भगवान विश्वनाथ का आपको आशीर्वाद पहुंचे। आप जिसे कोने में देख रहे हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुरुआत होती है मैदागिन चौराहे से। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बालाजी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, घाटा वाले मेहंदीपुर बालाजी का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर निकाली गई है उनकी ध्वजा यात्रा, और बहुत श्रद्धालुओं ने, ये बहुत ही बड़ी रैली थी, लगभग आधे घंटे तक इस रैली को निकाला गया। और ये पूरा जल्दी घुमा करके पूरा मच्छोदरी चौक गदोलिया, मतलब ये पूरा घुमाती रैली निकाली जा रही है। घाटा वाले मेहंदीपुर की रैली है, मतलब शिवरात्रि के दिन हर जगह एकदम पूरा भीड़ भाड़ था, भक्तजनों का उत्साह देखने लायक था। और पूरे बनारस जो है हमारे बनारसवासी, उन्होंने एकदम दिल खोल के रख दिया था प्रभु को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बनाई जा रही शरबत यहाँ पर सभी भक्तों को बांटा जा रहा है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे, दूर दराज से, मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आए थे। और शुभ शिवरात्रि के दिन ही क्यों, हर बड़े त्यौहार पे हमेशा ऐसी भीड़ भाड़ हो जाती है, और ऐसे भंडारे भी कराए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि शरबत है, तो कहीं पर पकौड़ियाँ हैं, कहीं पर प्रसाद है, मतलब हर कुछ बांटा जा रहा था फ्री में, ताकि जो भी बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं कोई उनको परेशानी ना हो, कोई उनको असुविधा ना हो, वो भूखे प्यासे इधर उधर ना भटके, तो उनके पूरे इच्छाओं का मान रखते हुए प्रेम पूर्वक यहाँ हर तरह की चीज़ें प्रसाद के रूप में बांटी जा रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे दम आलू है, कहीं फलहार वाला, कहीं फलहार नमकीन है, मतलब हर तरह की चीज़ें यहाँ भक्तों में बांटी जा रही थी। कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, जगह जगह बूथ बनाए गए थे, सहायता केंद्र बनाए गए थे हर तरह की सुविधाओं को देने के लिए। कब से हो रहा है, ये कब से चल रहा है भंडारा? भंडारा 1 से 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा। अच्छा, हाँ जी बेटा, आ जा। 26-27 साल चलता है, बहुत तेज बोलेगा। 26-27 सालों से ये कार्यक्रम होता है जी। और कौन करवा रहे हैं? ये बंटी सिंह है हमारे अध्यक्ष, दिलीप सिंह बंटी। अच्छा, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति जी, जी अमरनाथ जी में भंडारा लगता है 25 वर्षों से, चंदनवाड़ी कश्मीर में जी। और अनवरत काशी में भी चल रहा है महाशिवरात्रि के पर्व। कितनी संख्या में लोग आए, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? देखिए अंदाजा तो इसमें कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, मगर ये है कि दर्शनार्थी जितने भी आते हैं उनकी सेवा हो रही है। हेलो, अच्छा जी, गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में यहाँ पे नमकीन और आलू दम बांटा जा रहा है। बोलो, चलते हैं आगे और दिखा दे कि यहाँ पर ठंडई बांटी जा रही है। शिवरात्रि है और ठंडई ना हो बाबा का, हमारे मेन प्रसाद तो वही है ना, तो ठंडई भी देखिए यहाँ बांटी जा रही है। और सभी को प्रेम पूर्वक बहुत ही प्यार के साथ, सम्मान के साथ, पूरे ही बनास में कल हर तरफ ही भंडारा चल रहा था, कहीं दम आलू है तो कहीं पकौड़ी है, कहीं फलाहार है, कहीं नमकीन है, मतलब जिसे जो बन पड़ा उन सभी बनारसियों ने हर तरह से अपना दिल खोल दिया था। गाइस यहाँ पर देखिए सहायता केंद्र बनाए गए हैं, और लाइन कितनी लंबी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, माला मंडी चौक से लाइन लगी हुई थी, पुदशाश्रम घाट तक ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब बहुत ही लंबी लाइन थी। लेकिन जगह जगह इतने सारे सहायता केंद्र बनाए गए थे, इतने सारे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध थी, ताकि जो बनारस से, बनारस में आए हुए लोगों को दिक्कत परेशानी उनको ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बांटी जा रही है, मैंने कहा ना हर तरह की सुविधाओं से यहाँ पर पूरा ही हमारा बनारस जो है तैयार था। और ये आगे बढ़ते हुए अब चल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ देखिए इतनी सारी सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, और कितनी लंबी लाइन है ये भी आप देख सकते हैं, पैरों में छाले न पड़े क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पर मैट भी बिछाए गए थे। हर रास्ते भर यहाँ जो लाइन में खड़े भक्तजन थे ना, उनको चक्कर ना आए, कोई परेशानी ना हो, तो उनके लिए यहाँ पर पानी, चाय, शरबत लाइन में खड़े होने के बावजूद बांटी जा रही थी।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पानी बांटी जा रही है। ये देखिए लाइन में कितनी लंबी लाइन लगी हुई, कम 3-4 घंटे लाइन लगी हुई थी और सभी को यहाँ पर पानी और चाय शरबत इस तरह से बांटे जा रहे हैं कि लाइन भी खड़ी में लाइन से बाहर भी नहीं निकलना पड़े और उनको कोई दिक्कत भी ना हो। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, हर तरफ यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, सिक्योरिटी हर तरफ तैनात है, कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए गेट नंबर 4 पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो लोग भी मोबाइल अंदर ले जा नहीं सकते, वीडियो नहीं बना सकते या किसी तरह से अंदर जा नहीं सकते, उनके लिए हर बड़े त्यौहार पर ऐसे मॉनिटर लगा दिए जाते हैं, LCD लगा दी जाती है ताकि LCD के द्वारा ही दर्शन कर सके हमारे बाबा का। तो देखिए यहाँ इतनी बड़ी LCD लगी हुई है और ये दोपहर का समय इस तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर LCD में आप देख सकते हैं दर्शन किस तरह से मैं करा रही हूँ आपको हमारे बाबा की, हमारे महादेव की। ये बात बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं, जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ पता नहीं मुझे क्या ही हो जाता है, एक अलग ही मुझे एहसास मिलता है। इससे बड़ा मेरे लिए और कोई वर्ड नहीं आपको समझाने के लिए। गाइस यहाँ देखिए जगह जगह इतने सारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, हर तरह की सुविधाएँ आपको देने के तैयार हैं। बता दिया जाए कि कल महाशिवरात्रि के पर्व पे लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थियों ने दर्शन किया और देख सकते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, भूख प्यास से परेशान ना हो, क्योंकि सबका व्रत होता है महाशिवरात्रि पर, तो सभी के लिए फलाहार एक समान बांटा जा रहा है और हर 10 कदम की दूरी पर ऐसे ही फलाहार की सुविधा दी जा रही थी। कहीं पानी है, कहीं चाय है, कहीं शरबत है, कहीं ठंडी है, मतलब हर तरह की सुविधाएँ यहाँ पर निःशुल्क बांटी जा रही थी। और देखिए सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर बनारसवासियों ने पूरा अपना अच्छे से योगदान दिया और हर हर महादेव करते हुए सभी लोगों ने अपना बहुत ही ज्यादा बड़ा काम ये किया है, इससे बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। कब से कर रहे हैं आप ये भैया? हर साल करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं